नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी किराना व्यापार समिति द्वारा जनप्रतिनिधियों का किया गया सम्मान। श्री राम दरबार शोभा यात्रा के सफल आयोजन हेतु कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले छात्राओं ने जल संरक्षण के प्रति लोगों को किया जागरूक। और भारत विकास परिषद के दायित्व ग्रहण तथा अध्यक्षीय समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी किराना व्यापार समिति द्वारा जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। वाराणसी किराना व्यापार समिति द्वारा मैदागिन स्थित पराड़कर भवन के सभागार में जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने हेतु एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, विधायक नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव का सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष मनोज पांडे ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अंगवस्त्रम एवं माल्यार्पण के साथ सम्मान किया। साथ ही संस्था का स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। संस्था के महामंत्री अशोक कसेरा ने सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए व्यापारिक समस्याओं पर सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण किया एवं चुनाव पूर्व व्यापारियों से किए गए वादों पर भी ध्यान आकर्षित कराया गया। कार्यक्रम में अनूप जायसवाल, मुरलीधर जायसवाल, आशीष अग्रवाल, राजेश डोडवानी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी किराना व्यापार समिति विशेषरगंज के द्वारा आज काशी के जनप्रतिनिधियों का, काशी से जो मंत्रीगण हैं उनका सम्मान समारोह यहां आयोजित है। तो उसी कड़ी में आज अपने को, चूँकि विशेषरगंज व्यापार मंडल है, मेरा घर यहीं मध्यमेश्वर में रहा है, तो मैं बचपन से इस व्यापार की प्रवृत्ति सबको देखता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो अपनों के बीच में आकर, अपने के बीच में पाकर मुझको बहुत अपार हर्ष खुशी हो रही है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज अपनों ने अपनों के बीच में मुझको बुलाया है। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, व्यापारियों के लिए क्या? देखिए, व्यापारी की समस्या वो व्यापारी की समस्या नहीं है, वो काशीवासी की समस्या है। काशी की जान, काशी की प्राण, काशी की आत्मा व्यापार में बसती है और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है काशी, चाहे वो किराना का हो, चाहे वो मसाले का हो, चाहे वो आप कह सकते हो सोने चांदी का हो, बर्तन का हो। तो ये एक ऐसा व्यापारी शहर, ज़रूर छोटा है काशी, लेकिन व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है और व्यापारी शहर की रीढ़ हैं, जिनके बूते काशी का नाम दुनिया में है। तो उनको बीच में आकर मैं अपने को बहुत गौरवान्वित। आज यह समारोह बहुत ही भव्यता के साथ हमारे जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आए हुए हैं नए चुनकर, मैं इसी के संबंध में यह समारोह आयोजित है। हमारे वास्तव में दयालु गुरु अभी आ चुके हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी आ गए और दो हमारे अतिथि आ गए हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं, डॉक्टर मनमोहन श्याम जी आ गए हैं। यह आज सिर्फ हमारे सम्मान समारोह, हमारे जो अपने बड़े हैं, जो हमारे भाई हैं, हम उनके लिए आयोजित किए हैं ताकि हम लोग भी उनसे जुड़े रहें, हमेशा जुड़े थे, आज भी जुड़े रहें, यही से हम लोगों की कामना है। श्री राम दरबार शोभा यात्रा के सफल आयोजन हेतु कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। रामनवमी के पावन पर्व पर निकाली गई श्री राम दरबार भव्य शोभा यात्रा के सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ता सम्मान समारोह भारतीय शिशु मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ 2005 में रामनवमी के पर्व पर स्वर्गीय अशोक सिंगल ने किया था। श्री राम महोत्सव आयोजन समिति के प्रणय पांडे और यतेंद्र चतुर्वेदी एवं सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हर साल की तरह इस वर्ष भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस अवसर पर सभी को अपना आशीर्वचन दिया। मुख्य अतिथि विधायक नीलकंठ तिवारी और विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर विद्यासागर उपाध्याय, विपिन सेठ, तारा प्रसाद, कर्ण शंकर, संतोष चौरसिया, विभा मिश्रा, नीलिमा मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अशोक सिंघल जी द्वारा 2005 में रामनवमी पे श्री प्रभु श्री राम के अवतरण दिवस पर
जो यात्रा श्री राम दरबार शोभा यात्रा निकाली थी, आज वो 2005 से आज तक निकाली जा रही है। भविष्य में हम जब तक धरती पे हम लोग रहेंगे निकालते रहेंगे। कार्यक्रम को बहुत ही भव्य और सुंदर बनाया गया। जो कार्यकर्ता थे वो पूरे तन मन धन के साथ लगे हुए थे इस कार्यक्रम में, रात दिन जाग के कार्य किए हैं। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उनका मनोबल बढ़ा है। काफ़ी खुश हैं, प्रसन्न है कार्यकर्ता कि जो इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली वो सफल हुआ। उसकी जो खुशी थी उनके चेहरे पे, आज मिल के हम लोग जो है एक दूसरे का बांटे हैं, उनका सम्मान हुआ है। आगे क्या योजना होगी आपकी? आगे हमारी ये योजना है कि अगले वर्ष रामनवमी पे जो यात्रा हम लोग निकालेंगे वो इस वर्ष से भी ज़्यादा भव्य हो, लाखों की संख्या होनी चाहिए। लाखों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि चारों तरफ भगवा ही भगवा दिखे, ये हम लोगों का संकल्प है। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले छात्राओं ने जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। प्राकृतिक जल के स्रोत दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं, इस कारण मनुष्य के सामने जल संकट एक विकराल समस्या के रूप में प्रकट हुई है। इन्हीं समस्याओं और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए अकारण पानी की बर्बादी न करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे, महासचिव राजन सोनी इत्यादि लोगों ने भैरवनाथ स्थित शिव वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं संग पानी की महत्ता को दर्शाने हेतु प्रतीकात्मक रूप से जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि आए दिन देखने को मिलता है कि लोग बेवजह पानी की बर्बादी करते हैं, जबकि पानी ही उनके जीवन का आधार है। इस मर्म को समझने के साथ जल संरक्षण की ओर एक सकारात्मक पहल करना होगा तथा भावी पीढ़ी के लिए पानी का संचय करना होगा। हर देशवासियों को यह संकल्प लेना होगा कि वो जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तथा किसी भी स्थिति में शुद्ध पेयजल को बर्बाद नहीं होने देंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदीप गुप्ता, सुमित सराफ सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। आज किस तरह का ये कार्यक्रम है? जिस तरह से हमारे देश में भूजल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, लोगों में पानी की कमी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, उसी को देखते हुए आज हम भैरवनाथ स्थित वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं के हाथ में खाली घड़ा देकर नारा था कि घड़ा हो रहा है खाली, मत बर्बाद करो पानी के साथ एक जागरूकता अभियान चलाए हैं। हमारा यह छात्राओं के माध्यम से हमारा समाज के जितने भी हमारे शहर के लोग हैं उनको यह अपील है कि वो पानी को कमी के देखते हुए ज़रूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करें, व्यर्थ में पानी न बर्बाद करें। अगर कहीं पर नल टोटी खुला हुआ उनको दिखे उसको बंद करें, कहीं पर पाइप लीकेज है उसको बंद करें। यही हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए पानी जल संरक्षण को देखते हुए ठीक रहेगा। भारत विकास परिषद के दायित्व ग्रहण तथा अध्यक्षीय समारोह का आयोजन हुआ। भारत विकास परिषद वरुणा का 31वां दायित्व ग्रहण तथा अध्यक्षीय समारोह सिग्रह स्थित एक होटल में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आभा सक्सेना व विशिष्ट अतिथि सीए मुकुल शाह व मुख्य वक्ता अनिल जाजोदिया ने सभागार तथा कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के रीजनल महासचिव नवीन श्रीवास्तव, प्रमोद राम त्रिपाठी, सुमन अग्निहोत्री तथा क्षेत्रीय तथा प्रांतीय दायित्वधारी श्रद्धा अग्रवाल, रंजना केशी की उपस्थिति में वरुणा शाखा के नवनिर्वाचित दायित्वधारियों शशि श्रीवास्तव अध्यक्ष, लवली श्रीवास्तव सचिव, शालिनी श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष तथा पूजा सिंह महिला संयोजिका के दायित्व ग्रहण के साथ साथ शाखा की कार्यकारिणी एवं वरुणा परिवार से जुड़ने वाले नए सदस्यों ने परिषदीय संकल्प ग्रहण किया तथा सभी लोगों को भेंट स्वरूप तुलसी का पौधा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में वरुणा परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। अभी शाखा में नवनिर्वाचित सचिव हुई हूँ। पिछले सत्र मैंने महिला संयोजिका के रूप में ये पद संभाला था। इस बार सभी शाखा के सदस्यों के विश्वास के जरिए मुझे फिर सचिव का पोस्ट मिला है और मैं
पूर्ण रूप से चाहती हूँ कि ये पोस्ट भी मैं अच्छे से निर्वाह कर सकूँ। क्या संदेश दे रही हैं आज इस कार्यक्रम में, जो ये कार्यक्रम चल रहा है, आगे क्या योजना होगी आपकी? योजना तो बहुत लंबी चौड़ी हम लोग की है और हम लोग चाहते हैं कि जितना से जितना सेवा कार्य और कर सके। वैसे हमारी वरुणा शाखा सेवा कार्य के लिए ही जानी जाती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको एक कदम और आगे ले जाके ब्लड डोनेशन कैंप्स है और एनीमिया कैंप्स है, बाहर दूर दूर तक हर गांव में जा करके एनीमिया मुक्त जितनी भी औरतें हैं उनको एनीमिया मुक्त बनाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीएवीपीजी कॉलेज के समीप माई क्लासरूम की नई शाखा का शुभारंभ हुआ। माई क्लासरूम की एक नई ब्रांच का शुभारंभ डीएवी कॉलेज के समीप कॉम्प्लेक्स में किया गया। यह संस्था सीयूईटी, एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, सीटेट, यूपीटेट जैसे एग्जाम की तैयारी कराती है। माई क्लासरूम की एक ब्रांच दुर्गाकुंड कबीर नगर में भी स्थित है। कार्यक्रम में विधिवत पूजन अर्चन किया गया। संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदीप राय, हिमांशु, विश्वनाथ सिंह, विकास सिंह सहित डीएवी कॉलेज के अन्य सदस्य शामिल रहे। आज दिनांक 25 अप्रैल को हम माई क्लासरूम की एक नई ब्रांच जो डीएवी कॉलेज के समीप है, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग औसानगंज वाराणसी में शुरू कर रहे हैं। यह हमारी संस्था एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, सीटेट, यूपीटेट जैसे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस हैं उसे हम कराते हैं। अभी जो नया एक गाइडलाइन के हिसाब से सीयूईटी का एग्ज़ाम है उसे भी हमारी संस्था पूरी अच्छी तरह से कवर कर रही है और साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को कराया जाता है। उसकी एक ब्रांच जो हमारी माई क्लासरूम है उसकी एक पहले से एक ब्रांच चल रही है जो दुर्गाकुंड स्थित है, और कबीर नगर स्थित जो दुर्गाकुंड में हमारी ब्रांच है वो पहले से ही इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को करा रही है और उसी प्रिपरेशन के क्रम में बढ़ते बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले उसकी वजह से हम इस क्षेत्र में औसानगंज स्थित क्षेत्र में भी हम इस संस्था का ओपन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। यह संस्थान 2007 से अभी तक हजारों स्टूडेंट्स का भली भांति मार्गदर्शन कर चुकी है। साईं बाबा की भव्यपाल की शोभा यात्रा निकाली गई। सोमवार को साईं बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बाबा की दिव्य झांकी सजाई गई। इसके बाद उन्हें सुसज्जित पालकी में विराजमान कराया गया। पूजन अर्चन के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सभी भक्तगण नाचते झूमते बाबा के जयकारे लगाते चल रहे थे। पालकी शोभा यात्रा हबीबपुरा से प्रारंभ होकर चेतगंज, कबीरचौरा, लोहराबीर से होते हुए पुनः हबीबपुरा पहुंचकर समाप्त हुई। इस पालकी शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। ये शोभा यात्रा साईं बाबा की निकल रही है जो कि हबीबपुरा से उठती है और चेतगंज चौराहा, पियरी और लोहराबीर होते हुए फिर हबीबपुरा जाकर समाप्त होती है। ये पिछले 6 वर्षों से शोभा यात्रा निकल रही है जो कि क्षेत्र के लोगों के सहयोग से और उनके सम्मिलित सहयोग से संपन्न होती है। शोभा यात्रा को निकालने का मेन विषय क्या होता है? वहाँ पर साईं बाबा का मंदिर है, हर साल वार्षिकोत्सव के रूप में हम लोग शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं, उसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। ईद पर्व नजदीक आते ही सेवइयों की खरीदारी शुरू हो गई है। ईद का पर्व अब नजदीक ही है, ऐसे में त्योहार से संबंधित सामानों की खरीदारी शुरू हो गई है। ईद पर्व पर खास तौर से सेवइयां बनाई जाती हैं। इन सेवइयों को कई प्रकार से बनाया जाता है। यदि बात की जाए वाराणसी की तो यहां पर दूर दराज से लोग सेवइयों की खरीदारी करने आते हैं। दाल मंडी में मिलने वाली इस सेवई की पूछ दूर दूर तक है, जहाँ पर अभी से ही खरीदारों की भीड़ होने लगी है। हम लोग आते हैं दाल मंडी में, सेवई बहुत अच्छा कलर का मिलता है, सेवई बहुत क्वालिटी अच्छा रहता है, इसीलिए हम लोग हर एक साल बिहार से रोजा रमजान में हम लोग रोजा रह कर आते हैं सेवई लेने के लिए।
ऐसा क्या खास होता है कि जो बिहार में नहीं मिल पाती है सेवई यहाँ मिल जाती है? सेवई यहाँ का सेवई मशहूर है, दाल मंडी का सेवई मशहूर है, इसीलिए हम लोग आते हैं हर एक साल लेने के लिए। ये क्वालिटी नहीं मिलती, ये क्वालिटी बिहार में नहीं मिल पाता है। सेवई इसलिए फेमस मानी जाती है, ईद का सबसे महत्वपूर्ण सेवई का ही होता है त्यौहार, सेवई को ही मतलब महत्व दिया जाता है चाहे कोई भी हो। जी जी, उसको लेकर क्या, उससे खाने से प्यार बढ़ता है, दोस्ती बढ़ती है, एकता बढ़ती है और क्या। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी किराना व्यापार समिति द्वारा जनप्रतिनिधियों का किया गया सम्मान। श्री राम दरबार शोभा यात्रा के सफल आयोजन हेतु कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले छात्राओं ने जल संरक्षण के प्रति लोगों को किया जागरूक। और भारत विकास परिषद के दायित्व ग्रहण तथा अध्यक्षीय समारोह का हुआ आयोजन। थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।